بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين تتبين رشد من الغي فما يكفر بالطاغوت بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انتساب لها والله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم وصدق الله الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. In this collection, our study center 1210, Government Degree College Sopore, has organized a seminar commendation on the theme National Education Day. Because National Education Day is celebrated every year on 11th November from 2008 in the birth anniversary of one of the great leader come educationist, come poet, come philosopher, that is Maulana Abul Kalam Azad. It is the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad. Bakoli Allahumma Iqbal Rahmatullah Ayala. Alim ne mujhse kaha, ishq hai diwanapan. Alim ne mujhse kaha, ishq hai diwanapan. Ishq ne mujhse kaha, alim ki takmeen wazan. In other words, we can say, education is the only one media through... One of the seniors, Dr. Noor, is here. A lot of the coordination is here, along with all the dignitaries. Now, before the following meeting, our today's integration program, okay. May I request the knowledge of my eyes, Mr. Nazrul Islam, to take over the guys and bring in the proceedings of the day. Mr. Nazrul आपको एंडिंग मार्च तक जो भी आपके असाइनमेंट थे उनको आपको सबमिट करना है अपने स्टडी सेंटर में. हो गई दो बातें. डेट शीट जो होता है वो अवेलेबल होता है इग्नो की वेबसाइट पे. और जनरली इग्नो का जो डेट शीट होता है वो सेम होता है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैथ फर्स्ट जो है अगर ये थर्ड दिसंबर को है जिनको ऑलमोस्ट पता भी नहीं होता है फाइनल तक कि हमें क्या करना है. जैसे कि Ash formal education is informal education, non-formal education. Non-formal में कोई भी कोर्स non-formal से कर रहा हूँ. हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं इनको पहले कोर्स नहीं कर सर ने जैसे बोला कि एडमिशन मोदियों को पता होना चाहिए कि मटेरियल कैसे पहुंचता है. हम जो इनके असाइनमेंट्स होते हैं उनमें सर ने भी बोला कि ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं. बिल्कुल सही कि पता नहीं कहाँ से लाते हैं मटेरियल और कॉपी पेस्ट करते हैं और फिर सबमिशन करते हैं. बाकी चाहे हम फॉर्मल में नॉलेज गेन करें डिग्रीज करें या नॉन फॉर्मल या फॉर्मल में. इफ वी टॉक ऑफ मेडिकल एंड अदर सब्जेक्ट्स द टर्म वुड डोंट मेक यू इसमें टूल्स अवेलेबल एंड अदर अचीव. अगर हम जो बिजनेस प्रोजेक्ट के जिसमें हमारे स्टाफ इग्नू के स्टाफ मेंबर्स मुबारकबाद पेश करता हूँ एक बार फिर रीजनल सेंटर श्रीनगर के डायरेक्टर इन जैसा रीजनल डायरेक्टर खास मुंसलिका पहले असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर फिर कोऑर्डिनेटर
कश्मीर के जितने भी सेंटर उतनी ज्यादा विल पावर जिसको हम कहेंगे, अगर ये दूर से 100-200 रुपया खर्च करके आएगा यहाँ पे पढ़ने के लिए तो उसको मौका मिली, उसको पता चलता है ये अकाउंटेबिलिटी है। हम किसी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं जहां पे हमारी अटेंडेंस, जहां पे हमें पूछा जाता है, तब जाके उनको लगता है कि नहीं जी हम किसी यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक हैं। हम क्यों करते थे क्योंकि वहां नहीं था इसमें वहां। अब आपकी जिम्मेदारी है ये तो बाकी काउंसलर्स को कौन छोड़ेगा कि जो हमारे लर्नर्स है 10:30 से 11:30 नहीं होगा तो अब मैं। दूसरी बात यह है कि यहां यू शुड अटेंड, लेकिन दिस सेंटर स्कूटर साथ में होता है एनजीओ का कोई सर। आगे इग्नू के बारे में आप लोगों से, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार एडमिट हुए हैं, जो फ्रेश जुलाई 2018 में एडमिशन लिया है, उनको मुखातिब होने से पहले मैं कोऑर्डिनेटर साहब से जो सवाल कुछ उठाए हैं उसके बारे में कुछ एक ब्रीफली मैं बात करना चाहूंगा। तो आपने अगर भेजा विमान का आपने भेजा है क्यों डाउनलोड कर सकता है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले ही ये कहा जाए इनसे कि आप ये डाउनलोड कीजिए और फीस न ली जाए। जो एडमिशन का है उसमें potential. Whether there might be a single learner or there might be, because we don't have the vice chancellor, regular vice chancellor. Now in between, whether the faculty should be the. So ये चीज़ उर्दू हमारी ये original ज़बान भी है, official ज़बान भी है। ये हमारा इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर जो है ये 99 में यहाँ बना था। इसके बाद जो ये स्टडी सेंटर है गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज सोपोर में 1210 इसको कहते हैं, और यहाँ पे आज एक्टिविटीज़ हैं जो एजुकेशन के बारे में लेक्चर्स हैं, सिंपोजियम्स हैं या वर्कशॉप्स हैं वो करनी है। और दूसरा था इंडक्शन मीटिंग जो कि इग्नू में जुलाई 2018 में जो स्टूडेंट्स नए जिन्होंने एडमिशन लिया है उसके बारे में बताना था कि इग्नू की पढ़ाई जो है आपको आगे कैसे करनी है डिस्टेंस मोड में, क्योंकि ये डिफरेंट है जो कन्वेंशनल एजुकेशन है, किस तरह से आपके काउंसलिंग अटेंड करनी है, कहाँ से आपको स्टडी मटेरियल अगर नहीं मिला है तो डाउनलोड कर सकते हैं, या आप अपनी स्टडी को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देना था। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे आज जो है इतने तादाद में स्टूडेंट्स आए सर्दी के बावजूद भी, और बहुत से काउंसलर्स आए। इसके लिए जो यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर शमीम अहमदार साहब और यहाँ के कॉलेज के प्रिंसिपल जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम ये प्रोग्राम यहाँ कर सकें, और यहाँ के लोगों की जो इग्नू सर्विस कर रही है एजुकेशन में वो इसी तरह आगे बढ़ती रहे और इससे लोग फ़ायदा उठाते रहे।